नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाक के बीच हुए 22वें वर्ल्ड कप मैच की फुल हाइलाइट्स के बारे में, पाक टीम की कुछ बेवकूफियों के बारे में और मैच के कुछ बेहतरीन रोमांचक मोमेंट्स के बारे में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे से सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके घंटे वाले बटन को दबा के ऑल वाला बटन क्लिक कर ले। तो पहले पाकिस्तान ने टॉस जीता और रन खाने का सोचा, मतलब बॉलिंग का। तो इंडिया की तरफ से ओपन करने आए शर्मा जी का लोंडा यानी रोहित शर्मा और केएल राहुल। रोहित ने काफी शानदार पारी खेली और 113 बॉल्स में 140 रन बनाए 14 चौकों और 3 छक्कों की मदद से। इसी दौरान उन्होंने सचिन का 2003 का एक बेहतरीन शॉट भी खेला, सेम टू सेम उसी लहजे में, लेकिन एक बेकार शॉट की वजह से आउट हुए, इसका उन्हें काफी दुख भी है। उसके बाद आए विराट कोहली द रन मशीन, इन्होंने भी काफी शानदार पारी खेली और 7 चौकों की मदद से 65 बॉल्स में 77 रन बनाए, मगर अपने खराब डिसीजन की वजह से आउट हुए। दरअसल वे आउट थे नहीं, मगर वो बॉल के कैच होने के बाद पवेलियन चले गए, जबकि एम्पायर ने उन्हें आउट नहीं दिया था और बाद में रिव्यू में भी यही पता चला कि वे आउट नहीं थे। केएल राहुल ने भी आज ओपनर की भूमिका काफ़ी बढ़िया तरीके से निभाई और 57 रन बनाए। उसके बाद हार्दिक पांड्या द हिटर मैन, उन्होंने भी काफ़ी शानदार पारी खेली, 19 बॉल्स में 26 रन बनाए। बस माही भाई ने आज थोड़ा निराश किया और केवल 1 रन बनाकर चलते बने। उसके बाद आए विजय शंकर, इन्होंने 15 रन बनाए और केदार यादव ने 9 रन बनाए। बात करें पाकिस्तान की बॉलिंग की तो मोहम्मद आमिर से जैसी आशा थी, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की और 3 विकेट लिए। हसन ने 1 विकेट लिया और वहाब रियाज ने 1 विकेट लिया। इसी के साथ इंडिया ने पाकिस्तान को 337 रन का धमाकेदार टारगेट दिया। अब पाक की तरफ से ओपन करने आए इमाम उल हक और फाखर जामन। इमाम तो आज जल्दी चलते बने और केवल 7 रन बनाए। इसी के साथ पाक की एक उम्मीद भी चलती बनी। उसके बाद फाखर जामुन और बाबर आजम अच्छा खेल रहे थे और थोड़ा सा टेंशन भी दे रहे थे, लग रहा था अगर ये खेलते रहे तो मैच ले जा सकते, लेकिन फिर कुलदीप इन्हें लेकर चला गया। फाखर जामुन ने 62 रन की पारी खेली और बाबर आजम ने 48 रन की। उसके बाद आए मोहम्मद हाफिज, ये भी जल्दी चलते बने और केवल 9 रन बनाए। उसके बाद सरफराज खान कप्तान इंग्लिश टॉपर, इन्होंने भी कुछ कमाल नहीं दिखाया और केवल 12 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद शोएब मलिक जो कि सबसे सीनियर प्लेयर है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें समझनी चाहिए, इसके बावजूद वो भी केवल 0 रन पर ही आउट हो गए। इनसाइड एज लगा था, इसकी वजह से वो आउट हो गए थे। और इसी के साथ पाकिस्तान की जो अंत उम्मीद थी वो भी चली गई। फिर बारिश आ गई और बारिश ने उनकी दुखती रथ पर और हाथ रख दिया। बाद में DLS मेथड की हेल्प से मैच को 40 ओवर तक का रिड्यूस कर दिया गया। अब इन्हें 30 बॉल्स में चाहिए थे 136 रन, यानी कि ये बिल्कुल हार चुके थे। बाद में केवल फॉर्मेलिटी के लिए 5 ओवर खेले गए और इसी के साथ इंडिया 89 रन से इस मैच को जीत चुका है। मौका मौका था, वो चला गया। अब अगले 4 साल बाद इनके पास फिर आएगा, तब तक के लिए ये अपनी हार की ओर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बात करें बॉलिंग की तो आज इंडिया के बॉलर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। भुवनेश्वर कुमार जो कि एक मेन बॉलर थे, उनके इंजर्ड होने के बावजूद उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। हार्दिक ने काफ़ी बढ़िया ओवर किया और विजय शंकर ने भी काफ़ी बढ़िया ओवर किया। तो इसी क्रम में कुलदीप ने 2 कीमती विकेट लिए, पांड्या ने 2 विकेट लिए और विजय शंकर ने अपने डेब्यू मैच में धमाका करते हुए 2 विकेट लिए। अब देखना है कि भुवी कब तक ठीक होते, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन अगर वो नहीं भी ठीक होंगे तो भी शमी से काम चल जाएगा। आप कमेंट करके बताइए कि क्या पाक कभी भी इंडिया से जीत पाएगा वर्ल्ड कप में, क्योंकि अभी तक तो 7 बार हार चुका है और ये हिस्ट्री हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। इसी के साथ विदा लेते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय महादेव, जय हिंद, जय भारत।
3.50 लाख रुपए का। ये तो इनके कप्तान की है, बाकियों की तो आप समझ सकते होंगे कि क्या होगी। हाँ एक चीज़ है, पर मैच फीस इनकी ज़्यादा होती है, जो कि 5 से 7 लाख रुपए होती है पर मैच। अब कहीं से तो इन्हें पैसे देने होंगे ना, वरना क्या ही करेंगे। लेकिन फिर कमी इन्हें यहाँ पर आ जाती है कि इन्हें जीतने पर कुछ नहीं दिया जाता है, इसीलिए जीतते भी नहीं है। कम से कम बिरयानी बटवा दो, उसके हिसाब से जीत भी जाएंगे। नंबर 8 पर बात करते हैं बांग्लादेश के कप्तान मशरफ मुर्तजा की। इन्हें सालाना 4 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो कि 30 से 35 लाख पर मंथ होता है। इसके बाद बात करते हैं अफगानिस्तान के कप्तान गुलबदीन नईब की। इन्हें सालाना 70 लाख रुपए मिलते हैं, इसी के साथ पर मंथ 50 से 60 हज़ार रुपये भी मिलते हैं, और पर मैच फीस इनकी होती है 20 से 25 हज़ार रुपये, जितने पर इन्हें कुछ नहीं मिलता। अब बात करते हैं किंग की, समझ गए होंगे आप, किंग विराट कोहली की। सबसे अमीर बोर्ड के कप्तान है ये। इन्हें सालाना 7 करोड़ रुपए मिलते हैं, और जो कि होते हैं 58 लाख पर मंथ होता है। पर मैच फीस भी इनकी पाकिस्तान से तो ज़्यादा ही होती है, जो कि है 6.50 लाख रुपए, और जीतने पर 15 से 20% एक्स्ट्रा। तो ये थी सारे कैप्टन्स की सैलरी। आप कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग किसकी सैलरी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन दबा दें। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय महादेव, जय हिंद, जय भारत।